ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंडली कह रही है। सत्यानाश, इसका मतलब ये शादी किसी भी तरह से संभव नहीं है। उनका मिलना जुलना बंद करना होगा। वो लोग बचपन के मित्र हैं, क्या ये संभव होगा? संभव करना होगा। सच बताना, डर गई ना? चुप करो बदमाश, मैं पूजा करने जा रही हूँ। तुम मेरे लिए आफत चाचा के बगीचे से खट्टे मीठे आम ले आओ। जो आज्ञा महारानी। महारानी ये लो आम। अच्छा, हमारी शादी के बाद भी क्या तुम मुझे ऐसे ही आम लाने का हुक्म दोगी? पिताजी प्रसाद। सुनो बेटा, आज से पंकज से तुम्हारा मिलना जुलना पूरी तरह बंद। क्यों पिताजी? सादा सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं है। जाओ, जो कह रहा हूँ जाकर करो। मुझे यहाँ तुमसे मिलना जुलना मेरे लिए मना है। मैं दूर देश जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी या नहीं नहीं पता। कहाँ जा रहे हो? सिंगल। क्यों? हम वैश्य हैं, व्यापार हमारी जीविका है। पर तुम क्यों? अब तक तो तुम्हारे पिता पिताजी बूढ़े हो गए हैं। वो सब छोड़ो, तुम्हारे पिताजी ने जब कहा था कि वो मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, तभी मैंने फैसला कर लिया था अब इस देश में नहीं रहूंगा। तुम किसी और की पत्नी बनोगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हें भूल नहीं चाहता, तब तक मैं इस देश में नहीं लौटूंगा। चलता हूँ। सुनो बेटी, परसों हम लोग काशी जाएंगे। गुरुजी ने पत्र भेजा है, वहाँ उन्होंने तुम्हारे लायक एक लड़का ढूंढ के रखा है। वहीं तुम्हारी शादी संपन्न होगी। तुम अपनी जरूरत की चीजें रख लो बेटा। 3 साल बीत गए, पंकज नहीं लौटा। इसका मतलब वो मुझे नहीं भूला। पर मैं किसी और की पत्नी कैसे बन पाऊंगी? मेरे मन में, मेरी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ पंकज ही है। सिर्फ और सिर्फ पंकज। मुझे माफ कर दो पंकज। सुनो रविदास, तुम्हारी बेटी के भाग्य में और 5 सालों तक विधवा योग है। तो अब क्या होगा गुरुदेव? शादी की उम्र तो बीत जाएगी। फिक्र मत करो, अगर दुल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा ना देखे और अगर दुल्हन अपने दुल्हे का चेहरा ना देखे तो मुसीबत टल जाएगी। उसके बाद 5 सालों के बाद दोनों के एक दूसरे से मिलने पर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन शादी तो वो भी हो जाएगा, पर मेरे निर्देश के अनुसार। जो आज्ञा गुरुदेव। एताश्नोई एताश्नोई सच्चा धनावी सच्चा धनावी शालुम कृतावै शालुम कृतावै नाओई भवो नाओई भवो। कन्या अब कुमारी नहीं है, इस शादी का इतना ही उद्देश्य है। इस जन्म में तुम्हारी भेंट होगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर अगर हो गई तो तुम दोनों एक दूसरे को पहचान पाओ, इसलिए मैं ये अंगूठी दे रहा हूँ तुम दोनों को। इस अंगूठे के अंदर की तरफ एक मयूर छाप बना है। यह चिन्ह इन दोनों अंगूठियों को छोड़कर और किसी पे नहीं है। आज से 5 साल के बाद तुम दोनों ये अंगूठी अपनी उंगली में पहनना, और इसके पहले नहीं। अगर मेरी बात की अवहेलना की तो दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। पानी पानी। बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बचा नहीं पाया। आशीर्वाद, बस आशीर्वाद दे सकता हूँ कि तुम अपने पति से मिल पाओ बस। पिताजी।
देखो बेटी, अपने पिताजी का कर्ज तुम्हें ही चुकाना होगा। बार बार व्यापार में नुकसान होने पर उन्होंने अपना ये घर भी गिरवी रख दिया था, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारे रहने के लिए गांव में एक छोटी सी कुटिया बनवा दी है। तुम्हें वहीं पर रहना होगा और तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें जो खर्च लगेगा वो हम तुम्हें देंगे, जरूर देंगे बेटा। मैं अकेले कैसे रहूंगी पर? रात को तुम्हारे साथ आभा नाम की एक बुढ़िया रहा करेगी, उसका भी इंतजाम हमने कर ही दिया है समझो। जैसी आप लोगों की मर्जी, कल सुबह ही मैं उस घर में चली जाऊंगी, वो मुझे आज भी नहीं भूले, बस यही कामना है। ऐसे मत बैठो बेटी, जाओ नहा कर आओ। मैंने तुम्हारे लिए मूंग की दाल और चावल बनाए हैं, वो भी खा लेना। समय से नहीं खाओगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। हाय रे बदकिस्मत लड़की। सुना बेटी, पंकज लौट आया है वापस। इसका मतलब वो मुझे भूल चुका है। नहीं बेटा, वो तुम्हें नहीं भूला है। ये देखो, उसने ये सब तुम्हारे लिए भेजा है। ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। हाँ होगा ही, कितने सारे धन और रत्न लेकर लौटा है वो, इसलिए तो तुम्हें इतना कीमती उपहार भेजा है। कितना बड़ा दिल है उसका, देखो तो सही, बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझे भूल चुका है। उसने मुझे बुलाकर ये कहा कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। आभा, आप उस बनिए को ये हार लौटा आइए, कहना ये हार मैं नहीं ले सकती। बेटी तुम गलती कर रही हो, इस हार को बेचने पर तुम्हारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। जो आपको बोला है आप वही करिए। तुम्हारा ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए इस हार का मैं उचित इंतजाम करने जा रही हूँ। ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरी सहेली का हार है, इसे ग्रहण करके अगर आप इसका मूल्य मुझे दे देंगे तो मेरी सहेली की दरिद्रता दूर हो जाएगी। ठीक है ठीक है, ये लो। कल 5 साल पूरे हो जाएंगे, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैं कल वो अंगूठी पहन सकती हूँ, पर पहन कर करूँगी भी क्या? पति पाने की इच्छा मेरी नहीं है, मेरे मन में तो कोई दूसरा पुरुष बसा है। प्रणाम देवी, राजाधिराज परम उपकारी श्री मदन देव की आज्ञा है, आप अभी के अभी राजमहल चलिए। राजा की आज्ञा मेरे लिए क्यों? पर वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है। हे ईश्वर, ठीक है मैं चलूंगी, आभा भी मेरे साथ चलेंगी। ऐसे मनोहर काया वाले पुरुष, बड़ा ललाट तीखे नयन राजा होने के ही उपयुक्त है। प्रणाम महाराज। तो क्या तुम ही जया हो? जी मैं ही आपकी दासी हूँ। यहाँ क्यों बुलाया जानती हो तुम? जी नहीं। तुम्हें तुम्हारी शादी की बात तो जरूर याद होगी। याद है महाराज। उस रात गुरुदेव ने तुम्हें जो अंगूठी दी थी, क्या वो तुम्हारे पास है? घर में है, पर वो बात आपको कैसे पता चली? उसी तरह की दूसरी अंगूठी तुम्हारे पति को गुरुदेव ने दी थी, उसे देखकर तुम पहचान पाओगी? पहचान लूंगी महाराज। जरा देखो क्या ये अंगूठी वही है? हाँ, हाँ, ये मेरे पति की अंगूठी है, पर ये आपको कहाँ से मिली? मेरे पति ने क्या इसे आपको बेच दिया है? नहीं। तो क्या मेरे पति अब नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या? गुरुदेव ने शादी वाली रात मेरे उंगली में ये अंगूठी पहनाई थी, वो मेरे राज ऋषि है और ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। ईश्वर ये मेरी कैसी परीक्षा है। पर मैं तुम्हें राज रानी बनाने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। मैंने ये सुना है कि तुम्हारी दासी पंकज के घर आती जाती रहती है और तुमने पर नारी होने के बावजूद पंकज का दिया हुआ हार ग्रहण किया। क्षमा करिए महाराज,
आपको नहीं पता वो हार मैंने ग्रहण नहीं किया है। तुम्हारी दासी ने वो हार बेचकर तुम्हें पैसे दिए हैं। अगर विश्वास न हो तो बुलाऊं सर, वो मेरे सामने झूठ नहीं बोलेगी। मुझे माफ करिए महाराज, आभा को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने आभा को हार बेचने के लिए भेजा था। वाह, पराई स्त्री होने के बावजूद तुमने पंकज का दिया हार ग्रहण किया, बहुत बढ़िया। महाराज मैं कुलटा हूँ, आपकी राजरानी होने के लायक नहीं हूँ मैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और इस शादी को आप भूल जाएंगे, इतनी ही आशा है आपसे। रुको, तुम कुलटा नहीं हो और मैं तुम्हारा पति भी नहीं। मतलब? ज्योतिष गणना के अनुसार तुम्हारा अकाल विधवा योग था, इसलिए 5 सालों तक पति का चेहरा नहीं देखने का ये योग कट जाता है। इसीलिए आंखें बांधकर गुरुदेव ने तुम्हारी शादी करवाई थी, वो मेरे भी गुरु हैं, मेरा यकीन करो। फिर मेरे पति कौन है? यहाँ आओ पंकज। पंकज? हाँ, यही तुम्हारे पति हैं। गुरुदेव ने मुझे सारी बात विस्तार में बताई, फिर मैंने पंकज को आज्ञा दी। राजा जी के आदेश से ही मैंने तुम्हारे सारे खर्चे उठाए, मैंने तुम्हें ये पता नहीं चलने दिया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। प्रणाम महाराज, मेरी भूल माफ करिएगा। मेरा आशीर्वाद बना रहे, हमेशा खुश रहो। जाओ पंकज, अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट जाओ, बाहर रथ तैयार है। आभा? वो मेरे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है।